आतिशी जी, अगर आप कहीं हो सुन रहे हो तो दिल्ली के गरीबों की इस व्यथा को जो आपने ही क्रिएट किया था, क्योंकि तब भी बिजली मंत्री आप ही थे, और वो कनेक्शन से कितना पैसा लेता है, 19 रुपया पर यूनिट से लेके 21 रुपया पर यूनिट। ऐसी जानकारी आने के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत एलजी महोदय को किया, क्योंकि साजिश करने में आम आदमी पार्टी का कोई जोर नहीं। आतिशी जी, आपको हमने चिट्ठी लिखी थी जब आप मुख्यमंत्री बनी थी, चिट्ठी तो आपने पढ़ी नहीं हो, चिट्ठी तो आपने खाली कुर्सी पर रख दी होगी। हमारी चिट्ठी में तो यही था कि बढ़े हुए बिजली के बिल कम करो। हमारी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें दिल्ली के मैक्सिमम लोग बढ़े हुए बिल से परेशान है, लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत नहीं। तो प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया कि आतिशी जी अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चलते हुए आप दिल्ली को फिर से झूठ में डुबा के दिल्ली के लोगों के जले पे नमक मत छिड़किए। आज मैं दिल्ली की नई मुख्यमंत्री का प्रेस कॉन्फ्रेंस सुना, तो उस समय मैं पार्लियामेंट में था, हमारी स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग चल रही थी, चली रही है अभी भी, मैं बीच में छोड़ के आया हूं। मैं इतना हैरान नहीं हुआ क्योंकि हमें तो पता है कि ये आम आदमी पार्टी की सरकार है और इसका आधार ही झूठ है। आम आदमी पार्टी के चरित्र में ही झूठ है। आम आदमी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो दिल्ली के लोगों का कल्याण करने आया ही नहीं, उनका तो आधार झूठ है, उनका व्यवहार झूठ है और पहचान भ्रष्टाचार है। आपको मैं आज एक जानकारी देना चाहता हूं जिसके लिए हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ा। आतिशी जी ने आज अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि 10 साल से डीडीए की एनओसी के कारण ये मीटर लगना रुका हुआ था। ये सरासर झूठ है। मैं आप में से देख रहा हूं कुछ लोग बुराड़ी क्षेत्र में भी रहने वाले पत्रकार यहां बैठे हैं। ये पूरी समस्या आई थी 2024 चुनाव के लगभग 8-10 महीने पहले, क्योंकि मैं तो 10 साल से सांसद हूं, अब तो 10 साल के बाद शुरू हो गया। तो अगर समस्या आती है तो हम तो घिर जाते हैं कहीं भी, चाहे वो समस्या आम आदमी पार्टी की ही क्रिएट की गई हो। हमें करीब 8-10 महीने पहले एक कार्यक्रम में बहुत सारी महिलाओं ने घेरा और ये कहा कि हमारा मीटर नहीं लग रहा, हमारा मीटर लगवा दो, मीटर लगवा दो। हमने कहा मीटर तो भाई ये बिजली डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार का है। पता चला ये दिल्ली सरकार के अधीन आने वाली बिजली कंपनियां ये डीडीए का एनओसी मांग रही हैं। जब हम उसके अंदर गए अचानक सुना था, तो पहले तो आतिशी जी को और अरविंद केजरीवाल जी को ये पता रहे कि ये समस्या 10 साल की नहीं है, ये समस्या साल भर से उत्पन्न की गई थी। क्यों? क्योंकि उनको 2024 के चुनाव में इसी आधार पे पब्लिक को भड़काना था। हमारे सामने समस्या आई, अब उस समय तो चुनाव था, आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी समस्या आती होगी। बहरहाल हमने पब्लिक से वादा किया आप हम इसको दूर करेंगे, डीडीए की एनओसी की आवश्यकता मीटर के लिए ना थी ना है और ना ही रहेगी। डीडीए के एनओसी की जरूरत नई कॉलोनी काटने के लिए होती है, और इसी भ्रम को 6 अक्टूबर, इसी भ्रम को जब दूर किया गया तो 6 अक्टूबर को दिल्ली की जनता ने विधिवत बहुत आशीर्वाद दिया। आप सब कई चैनल रहे होंगे, हम लोगों ने इसको बुराड़ी क्षेत्र में किया था कार्यक्रम, लोगों ने मोदी जी का धन्यवाद किया, एलजी महोदय का धन्यवाद किया, बीजेपी का धन्यवाद किया। अब इसके अंदर एक और जानकारी दिल्ली को हैरान कर देगी। ये आम आदमी पार्टी का नियत यह है कि खुद भी भ्रष्टाचार करो और दूसरों को भी भ्रष्टाचार करने दो।
आपको जान के आश्चर्य होगा कि कई लोगों का साथ साथ आठ आठ साल से बिजली के मीटर नहीं लगे हैं, तो वो कैसे चला रहे बिजली? वो आम आदमी पार्टी का ही कोई एक व्यक्ति जो सीधे अरविंद केजरीवाल जी से और इनके शीर्ष नेताओं से जुड़ा होता है, वो एक कनेक्शन से 500 कनेक्शन देता है, और वो कनेक्शन से कितना पैसा लेता है? 19 रुपया पर यूनिट से लेके 21 रुपया पर यूनिट। आतिशी जी अगर आप कहीं हो सुन रहे हो तो दिल्ली के गरीबों की इस व्यथा को जो आपने ही क्रिएट किया था, क्योंकि तब भी बिजली मंत्री आप ही थे, और उन लोगों को यह धमका के कि अरे अरे नहीं ऐसा करोगे तो तुम्हारा घर टूट जाएगा, और उनसे 21 रुपया प्रति यूनिट इसी दिल्ली में गरीब गरीब लोग, और वो देने को मजबूर थे क्योंकि उनके घर में किसी तरह रोशनी जले। ऐसी जानकारी आने के बाद हम लोगों ने इसकी शिकायत एलजी महोदय को किया, हमने इसकी शिकायत इस प्रॉब्लम को कैसे सोल्व किया जाए इस आम आदमी पार्टी की साजिश को, क्योंकि साजिश करने में आम आदमी पार्टी का कोई जोर नहीं। तब मैं आज फिर एक बार आपसे कहता हूं कि अब ये लोग आम आदमी पार्टी की प्रवृत्ति उन गिद्ध की तरह हो गई है जो ऑलरेडी कोई भोजन दे दिया तो जाकर के खाएंगे। ये आतिशी जी का व्यवहार मैं देख रहा हूं। आतिशी जी, आपको हमने चिट्ठी लिखी थी जब आप मुख्यमंत्री बनी थी, चिट्ठी तो आपने पढ़ी नहीं होगी, चिट्ठी तो आपने खाली कुर्सी पर रख दी होगी। अब हमारी चिट्ठी में तो यही था कि बढ़े हुए बिजली के बिल कम करो, लोगों के बड़े बड़े जो दुकान है मकान है सबके बड़े बड़े बिल आ रहे हैं। हमारी पार्टी ने एक सर्वे भी करवाया है जिसमें दिल्ली के मैक्सिमम लोग बढ़े हुए बिल से परेशान है, तो आप उसका कार्य करने की बजाय दूसरे के कार्य का, हमारे पास वो नोटिफिकेशन है, आप सबको मैं दे सकता हूं। मैं चाहूंगा कि हमारे प्रवीण शंकर कपूर जी आपको इसको कॉपी दे दें। ये है 1/10/2024 की 24 का नोटिफिकेशन जो एलजी महोदय ने निकाला है। इस नोटिफिकेशन में आपको पूरी तरह से पता चल जाएगा कि बिजली के मीटर के लिए डीडीए के एनओसी की आवश्यकता को ही जो साजिश थी उसको हमने जड़ से समाप्त कर दिया। हम चाहते हैं लैंड पुलिंग सफल हो, हम चाहते हैं कोई कॉलोनी कटे तो वहां पहले से पानी का कनेक्शन हो, वहां सड़क हो, वहां बिजली के अच्छे से तार जाए ताकि झुरमुट न हो, आग न लगे। ये सब कुछ होगा लैंड पुलिंग के तहत। तो नई कॉलोनी काटने के लिए ही सिर्फ हम चाहते हैं कि पहले व्यवस्था हमको करने दो, तब आप आगे बढ़ो। लेकिन आम आदमी पार्टी की नीयत नहीं। अगर इनकी नीयत होती तो प्रधानमंत्री जी ने जब पीएम उदय योजना के तहत दिल्ली की 1731 कॉलोनियों को अनऑथराइज का कलंक मिटा दिया, आपने उन गलियों में क्या किया? अरविंद केजरीवाल जी, आम आदमी पार्टी की सरकार, वहां डेवलपमेंट तो आपको करना है, अनऑथराइज का कलंक मोदी जी को मिटाना था, मिटा दिया उन्होंने। तब हम एक बार फिर कहेंगे कि आतिशी जी, अरविंद केजरीवाल जी के रास्ते पे चलते हुए आप दिल्ली को फिर से झूठ में डुबा के दिल्ली के लोगों के जले पे नमक मत छिड़किए। अभी भी समय है, जो बिजली के बढ़े हुए बिल, मैं तो कहूंगा जिन जिन लोगों के टेम्पररी मीटर कहीं से तार खींच के आए थे उनको अपना पैसा वापस मांगना चाहिए, क्योंकि वो लोग हैं जिनकी 200 यूनिट से कम बिजली खपत होती है, लेकिन वो 21 रुपया प्रति यूनिट दिए हैं, उनको वापस करने का काम करिए। भारतीय जनता पार्टी ये चाहती है। देखिए, हम आपको नोटिफिकेशन दे रहे हैं, आपको हम 1/10/2024 का नोटिफिकेशन दे देते हैं, हम तुरंत डाल रहे हैं, हम डाल देते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ
आम आदमी पार्टी के शीर्ष नेताओं का एक फैलाया हुआ भ्रम है और हो सकता है कि कुछ लोगों को परेशान भी करते हैं। म्यूटेशन दिल्ली का और डीडीए एनओसी की डिमांड, ये दोनों को तो माननीय एलजी महोदय ने बड़े सभा में इसको किया और नोटिफिकेशन आपके सामने है। इसके बाद भी अगर आम आदमी पार्टी के लोग ऐसे गरीबों को परेशान करते हो तो आप समझ लीजिए कितने बड़े शत्रु हैं दिल्ली के लोग। बिल्कुल 100% हमने वो काम किया, लेकिन उस काम में भी हम सावधानी बताना चाहते हैं कि ऐसा नहीं था कि हम डीडीए की एनओसी मीटर के लिए लगाए हुए थे, ये उनकी साजिश थी। हमने उस साजिश को हटाने के लिए डीडीए के एनओसी की आवश्यकता ही मीटर के लिए हटा दी और अब वो उसका क्रेडिट ले। अरविंद केजरीवाल ने आज से जो जनसंपर्क अभियान शुरू किया है उस पर उन्होंने एक लेटर भी जारी किया है जिसमें साफ तौर पर, और आज कहा भी उन्होंने ये बात कि मैं जो जेल गया हूँ, मैं शब्द पर शब्द पढ़ूं तो मैं जेल गया केवल आपके लिए, अगर मैं दिल्ली वालों के लिए ये काम नहीं करता, ये सब सुविधाएं नहीं देता तो मुझे कभी भी जेल नहीं भरते। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर दिल्ली में बीजेपी को वोट दोगे तो फ्री की बिजली बंद हो जाएगी, पावर कट लगना शुरू हो जाएंगे, स्कूल हम तो मिडिल क्लास को भी देंगे, रोज कह रहे हैं बंद कर देंगे, फ्री दवाइयां, फ्री इलाज सब बंद हो जाएगा, बेसिकली सब कुछ बंद हो जाएगा जो उन्होंने शुरू किया। देखिए भारतीय जनता पार्टी जैसे ही दिल्ली सरकार में आ जाती है हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना पे आगे बढ़ गए हैं और हम ये राहत दिल्ली के प्रत्येक लोगों को देने वाले, वो किसी भी हमारे गरीब अनथराइज कॉलोनी झुग्गी में रहने वाले उनको हम 300 यूनिट तक बिजली फ्री करने की योजना नरेंद्र मोदी जी की आगे बढ़ चुकी है। हम तो वो लोग हैं जो छत्तीसगढ़ से शुरू किए अब हरियाणा में प्रति महिलाओं को 2100 रुपया महीना दे रहे हैं। कहां है अरविंद केजरीवाल जी? और ये तब कर रहे हैं जब हमने पूरी खजाने की व्यवस्था को, लीकेज को खत्म करके एक अच्छी सरकार बनाने के बाद हम कर रहे हैं। ये लोग क्या कर रहे हैं? सिर्फ जनता से लूट कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, वो जाएं वो अच्छी बात है, वो जाते जाते हम तो कहेंगे कि आप आओ गलियों में आओ तो अपने भाड़े के लोगों के साथ मत घूमो, अगर आपकी सही में नीयत है तो आप जनता के बीच आकर के देखो, अरविंद केजरीवाल जी आपको जनता ही सच्चाई बताए। जी जैसे महिलाओं का काफी तबका है, 50 लाख से ज्यादा का महिलाएं, तो इन महिलाओं के लिए भी क्या ऐसी कोई योजना है जो कि चल रही, जैसे आपने भी कहा कि 300 पे तो काम हो रहा है, आगे बढ़ रहे हैं। हमने शुरू कर दिया जगह जगह और वो ये व्यवस्था को आप समझेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। यहाँ बैठे हुए प्रत्येक व्यक्ति के घर में हम 300 यूनिट बिजली फ्री करने की योजना पे काम करने शुरू होने शुरू हो गया। सर ये क्या मतलब है? ये क्या बस में जिस तरह से जिस तरीके से केजरीवाल ने कहा कि वो हम बस भी अच्छी देंगे। एक सर साहब का सवाल ये है कि जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने कहा कि हर महीने महिलाओं को 1000 रुपए देंगे, तो क्या बीजेपी भी दिल्ली में महिलाओं को 1500 रुपए या 2000 रुपए प्रति माह? हमारा चुनाव का मैनिफेस्टो आ रहा है, आप थोड़ा सा उसका इंतजार करें। और अन्य राज्यों में, और हम अन्य राज्यों में क्या कर रहे हैं? हमने छत्तीसगढ़ में और अभी हमने यहाँ हरियाणा में, अभी अभी चुनाव हुआ है हरियाणा में, हमारे मैनिफेस्टो का एक बड़ा मुद्दा था जिसका असर भी हुआ। हम महिलाओं को, आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसके सारी चीजें सामने हैं, 2100 रुपया महीना दिल्ली में जितना ये कुछ फ्री के नाम पे किए भी होंगे उसका प्रति घर प्रति आवास अगर फायदा भी हुआ होगा तो 700-800 से ज्यादा नहीं हुआ होगा। हम 2100 रुपया प्रति महिला, और हम वो कार्य कर रहे हैं जिसपे हमारे खजाने को कोई चोट नहीं होगी, हमारा दिल्ली उससे कर्ज में नहीं बढ़ेगी। आप ये मत भूलिए अरविंद केजरीवाल ने 2013 में जो दिल्ली 600 केवल जल बोर्ड 600 करोड़ के फायदे में होता था, आज पूरी दिल्ली पे 1.5 लाख करोड़ का कर्जा है। हमारे आपके घर में जो बच्चे पैदा हो रहे हैं दिल्ली में ना, वो कम से कम 80,000 रुपए के कर्ज में पैदा हो रहे हैं। अब
ये अरविंद केजरीवाल जी ने दिया है। हम इन सारी चीजों से मुक्त करते हुए दिल्ली को देखो सर, हम बीजेपी के लोग हैं। एक सवाल है, आप जब अध्यक्ष थे और पिछली बार चुनाव हो रहे थे तब आपने खूब सारी घोषणाएं भी किया था, आपने स्कूटी देने के लिए भी बहुत सारी योजनाएं दिल्ली के जो अपने घोषणा पत्र में लागू किया था, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ था, तो आपको ये उम्मीद क्यों है कि इस बार जब आप कोई वादा करेंगे तो दिल्ली की जनता स्वीकार कर लेगी उसको? देखो असर नहीं हुआ तो हम कोई बात नहीं, हम तो जनता को थोड़ी शिकायत करेंगे, जनता का जनादेश सर माथे पे। हालांकि पिछली बार हमारा मैनिफेस्टो बड़ा लेट आया था, चुनाव के 2-3 दिन पहले आया था तो ठीक से पहुंच नहीं पाया। आज हम उन छोटी मोटी गलतियों को सुधार रहे हैं और हम समय से सारी बातें अपनी कर। तिवारी जी, बिजली से जुड़ा हुआ एक सवाल, क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उनको मिले जानकारी, कोई नंबर है कि डोमेस्टिक, चूंकि लोग औद्योगिक घराने को कह रहे हैं कि उनको छोटी छोटी इकाइयों की बिजली मिलेगी, चूंकि वालों को मिलेगी, डोमेस्टिक जो घरेलू लोग मांग रहे हैं उनको नहीं मिल रहा है, कोई है सर? नहीं, मैं तो आपसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा हूँ कि अगर किसी को भी ये पता चलता है कि उसने बिजली मीटर के लिए अप्लाई किया और उसको नहीं मिल रहा है तो वो अपने सांसद को सूचना दे या बीजेपी के 14 पंथ के प्रदेश कार्यालय में एक सूचना दे दे, हम उस अधिकारी की भी खबर लेंगे और उसकी समस्या को दूर भी करेंगे।